आज के टाइम पे नेटफ्लिक्स हो या स्लैक, ड्रॉपबॉक्स हो, कोई भी कंपनी उठा लो, कोई कंपनी अपना सर्वर खड़ा नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। 20 साल पहले ये हालत बिल्कुल नहीं थी। हर कंपनी का अपना सर्वर होता था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, अपना नेटवर्क होता था, और वो बस इंटरनेट से जोड़ती थी अपने डेटा सेंटर को। आज किसी के पास अपना डेटा सेंटर नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग में जिसके कारण सबने सोचा कि अपना डेटा सेंटर रखने का कोई फायदा नहीं है? आइए समझते हैं आज की वीडियो में। तो यार एक बार के लिए समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज हुई है, उसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन सुन के लगता है कि अरे भाई क्या वर्ड फेंक दिया तने भैया ने, ठीक है, बट बहुत ही सिंपल चीज है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? झूठा, कुछ मनोनीत, है ना। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है, पहले क्या होता था, एक बार के लिए समझते हैं कि पहले क्या होता था। पहले आपके पास एक हार्डवेयर का एक बॉक्स होता था ऐसा, ठीक है, और इस बॉक्स पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता था। तो एक, अगर आपने मान लो 8GB रैम का एक सर्वर खरीदा, उस पे आपने एक लिनक्स ओएस डाल दिया, तो अब इस अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम ने पूरे 8GB रैम को, पूरे इसके मान लो 500GB का हमने SSD डाला, तो सबको लेकर वो अकेला बैठ गया। अब इस पे आप चला रहे हो एक वेबसाइट, प्यारा सा छोटा सा वेबसाइट चला रहे हो, और बोल रहे हो भैया हमने सारा सर्वर ले लिया, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया हमें, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है जरा सोचो, इसमें रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं ना रिसोर्स वेस्ट। तो तुम कहोगे कि ठीक है भैया, इसी पे हम चार और वेबसाइट होस्ट कर देते हैं, 10 और वेब ऐप होस्ट कर देते हैं। कर सकते हो, गलत नहीं है, कर सकते हो। एक वेबसाइट होस्ट किया, बोला 2, 3, 4, 5 सब होस्ट कर देते हैं भैया, कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी जरा सोचो, अगर एक वेबसाइट ने कुछ ऐसा किया, एक वेब ऐप ने कुछ ऐसा किया जिससे सर्वर क्रैश कर गया, तो सारे सर्वर, सारे ऐप्स क्रैश कर जाएंगे। क्या तुम ये रिस्क लेना चाहोगे बिजनेस में? नहीं लेना चाहोगे। और ऐसा भी पहले होता था, ऐप क्रैश करेगा तो सर्वर क्रैश कर जाएगा गलती से। दूसरी चीज क्या होती है, अगर एक में किसी में कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ गई, तो फिर बाकी के डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अगर मेरे पास एक सर्वर है, तो क्या मैं इस सर्वर पे एक ओएस के जगह 10 से 50 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक बिल्कुल डिफरेंट लेयर दे देता है, सिक्योरिटी का एक लेयर दे देता है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां पर हर ऐप को अपना ओएस मिल जाए? क्योंकि ओएस जो लेयर है उसके बाहर निकलना मुश्किल है, उसके बाहर निकलना मुश्किल। तो क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा खाका बना सकते हैं क्या? तो फिर लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया और आया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, देखो पहले जो था, पहले ऐसा था, तो इसको देखते हैं पहले, लाइक बिफोर एंड नाउ, ठीक है। तो बिफोर क्या होता था, एक हार्डवेयर होता था ऐसा, उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ऐसा, पार्डन माई हैंड राइटिंग यार, और उसके ऊपर होता था क्या आपका, उसके ऊपर होता था आपका एप्स। तो आप एप्स को ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में डालते थे, है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दिस इज ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, ऐप 4। अभी ऐप कुछ भी हो सकता है यार, नोड जेएस का ऐप है, चार ऐप्स चल रहे हैं अलग अलग, पांच दस चार ही क्यों, बहुत ऐप्स होते थे। प्रॉब्लम ये होता था कि ये सारे ऐप्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो एक क्रैश होगा दूसरे में परेशानी हो सकती है, सिक्योरिटी का इशू है। उल्टा ये भी हो सकता है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बस एक ही ऐप चल रहा हो और अंडर यूटिलाइजेशन है। तो एक बार हम इश्यूज भी लिख लेते हैं यहाँ पर अपने समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक बार इश्यूज लिखते हैं प्यार से। तो इश्यूज क्या थे, लेट्स सी। एक तो अंडर यूटिलाइजेशन था, मतलब हम सारा रिसोर्स नहीं यूज कर पा रहे थे, यूटिलाइजेशन था। और क्या था, अंडर यूटिलाइजेशन था, सिक्योरिटी इश्यूज थे बहुत ज्यादा, डिबगिंग इश्यूज थे, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब इश्यूज थे, ठीक है, नेमिंग शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये इश्यूज थे। तो हमने क्या किया, हमने कहा ये बड़ा सुंदर, ये खाका तो हमें बड़ा पसंद आया, हम क्या इस खाके को रेप्लीकेट कर सकते हैं? तो हमने क्या कहा कि फिजिकल लेवल पे,
फिजिकल लेवल पे, रुकिए कलर चेंज करके बताते हैं। असुविधा के लिए खेद, एक सेकंड रुकिए और ध्यान रखिएगा कि आपने मर्न स्टैक का वीडियो देखा था, आपको बहुत पसंद आया था, आपने कमेंट किया था कि भैया ऐसे एक्सप्लेनर वीडियोस और बनाइए, तो मैं बना रहा हूं। अगर आपको ये वाला पसंद आए तो ये एक बार और लिखिएगा कि भैया ऐसे एक्सप्लेनर वीडियो और बनाइए, तो मैं बनाता रहूंगा, बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे पास। अगर आप बैंगलोर में हो तो 20 मई को आओ, बैठो, बात करें करियर के बारे में फेस टू फेस, क्योंकि हमारा मीटअप हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 28 में, डिटेल्स यहाँ है। तो फिजिकल लेवल पे अभी भी एक ही हार्डवेयर होगा, फिजिकल तो हम एक ही मशीन खरीदेंगे और उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो भी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर उसके ऊपर हम एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर एक चीज होगी जिसको कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर ये क्या करता है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके बोल सकता है कि अगर मान लो कि इसमें 8 GB रैम था और 500 GB हार्ड डिस्क था, तो ये क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि मैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मॉड्यूल बनाऊंगा जिसमें एक OS 1 रहेगा, इसको 2 GB रैम मिलेगा और इसको 100 GB हार्ड डिस्क मिलेगा, और ये ऐसा एक मॉड्यूल बना सकता है, ठीक है, और ऐसा एक और मॉड्यूल ये बना सकता है और इनको अलग अलग मैनेज कर सकता है। ये OS 2 है, इसको 4 GB रैम मिलेगा और इसका 200 GB हार्ड डिस्क होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप सेम ही सर्वर पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पैकेट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर चेंज हो गया, ऐसा भी नहीं है कि हर OS को अपना सर्वर मिल रहा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो ऐप इसके ऊपर इंस्टॉल होंगे, जो ऐप 1 या ऐप 2 इसके ऊपर इंस्टॉल होंगे, यहां पर 1, 2, 3, 4 ये जो पैकेट है, ये अलग एक पैकेट हुआ और ये एक अलग पैकेट हुआ। 1 और 2 आपस में बात कर सकते हैं, 3 और 4 आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन 1 3 से नहीं, 3 4 3 से नहीं, ऐसे करके आप आपस में, क्योंकि ये एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हाइपरवाइजर के आने से, इस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, इस टेक्निक के आने से क्या फायदा हुआ कि आप सेम हार्डवेयर को मल्टीपल OSs में यूज कर सकते हो। तो हमारे पास, हमने यहाँ इश्यूज लिखे थे, याद है आपको, तो अंडर यूटिलाइजेशन का इशू था, वो सॉल्व हो गया, क्योंकि आप जितना हार्डवेयर है पूरा का पूरा रैम बांट के यूज कर सकते हो। 512 MB का सर्वर बना लो, 1 GB का सर्वर बना लो, और उसमें इलास्टिसिटी भी रहती है, उसमें ये भी रहता है कि आप 8 GB रैम को 12 GB में डिवाइड करके दे सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे कोई भी अपना पूरा रैम नहीं यूज करता रहता, ठीक है। सिक्योरिटी की इश्यू थी, सिक्योरिटी की इश्यू तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ही अलग अलग कर दिया, तो जो भी प्रॉब्लम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हाइपरवाइजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आने ही नहीं देगा। और क्या इशू थी, डिबगिंग की प्रॉब्लम्स, यानी इश्यूज, अगर एक ऐप ब्रेक करेगा तो बाकी ऐप्स ब्रेक कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि जब कुछ भी ब्रेक होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ कंटेनर इज द फाइनल कंटेनर, यही कंटेनर होता था ना पहले हमारे पास, ये कंटेनर था फाइनल वाला, तो ये कंटेनर को हमने रेप्लिकेट कर दिया ढेर सारा, हमने कहा देखो ऐसे तो हम कई कंटेनर बना सकते हैं, तो सारे जो इश्यूज थे प्रीवियसली वो हमने सॉल्व किए। और सबसे बड़ा बात की पता क्या किया, जब हम अंडर यूटिलाइजेशन के इश्यू को सॉल्व किए तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। जैसे मान लो मैंने इतना बड़ा घर लिया और उसमें मैं अकेला एक आदमी रहूं, और उतना बड़ा घर लिया और उसमें हमने 4 लोगों के साथ शेयर किया, तो क्या होता है फायदा, 4 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ जब आप शेयर करते हो तो आपका कॉस्ट पर पर्सन कम हो जाता है, सेम हार्डवेयर पे, सेम रियल एस्टेट पे कॉस्ट पर पर्सन कम हो जाता है। तो जब कॉस्ट कम होती है तो ज्यादा लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो क्लाउड इसीलिए चीप हो गया हाइपरवाइजर के कारण। अब क्लाउड नहीं चीप हुआ, ओवरऑल सर्वर यूसेज चीप हो गया, ये इसमें क्लाउड का कोई मैजिक नहीं था, लेकिन क्लाउड में इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम की, कि अगर मेरे पास 500 सर्वर हैं और मैं 500 सर्वर पे 5000 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी 5000 अलग अलग इंस्टेंसेस चला सकता हूं, तो मैं बहुत आसानी से बहुत चीपली हर किसी को दे सकता हूं कि नेटफ्लिक्स तुम भी थोड़ा ले लो, स्लैक तुम भी थोड़ा ले लो, ऐसे सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, और उसके बाद भी मेरे पास कैपेसिटी भर के बच गई, क्योंकि हर कोई हर टाइम पे पूरा का पूरा कैपेसिटी तो यूज कर नहीं रहा है। मजा आया, कुछ नया सीखा, कुछ अच्छे से समझा, तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, इतना ही तो मैं मांगता हूं, क्या ज्यादा मांग रहा हूं।